अब आपको दिखाते हैं सेना के शौर्य यानी सर्जिकल स्ट्राइक का वो वीडियो जिसने एक बार फिर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है और दिखाया है कि कैसे भारत ने पीओके में घुसकर आतंकियों को निशाना बनाया था। हिंदुस्तानी सेना के शौर्य और पराक्रम का ये वो वीडियो है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है और इसकी कसक आज भी पाकिस्तान को चुभती है। पहली बार सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का वो वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे हमारे जाबाज जवानों ने पीओके में घुसकर पाकिस्तान को मारा था। 29 सितंबर 2016 यही वो तारीख थी जब भारतीय कमांडो और स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने पीओके में अंदर तक घुसकर पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में चल रहे आतंकी कैंप्स को तबाह किया था और लॉन्चिंग पैड को नेस्तनाबूद किया था, जिसका सबूत है ये वीडियो जो सर्जिकल स्ट्राइक के करीब 2.5 साल बाद सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहे टाइम पर नजर डालिए, समय था सुबह के 4:38। पूरा वीडियो 8:10 का है जिसमें 4 अलग-अलग टारगेट्स को तबाह करते दिखाया गया है। इस वीडियो में टारगेट वाली जगह को मैप पर दिखाया गया है, जिसके बाद हमले को अनमैंड एरियल व्हीकल यानी यूएवी और हेड माउंटेड कैमरे के जरिए शूट किया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी भिंबर गली से। एलओसी के पार करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय जवानों ने आतंकियों के लॉन्च पैड की पहले से रेकी कर रखी थी। इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आतंकी लॉन्च पैड पर थे। जैसे ही हमले का सिग्नल मिला, सेना के जवानों ने धावा बोल दिया और एक एक कर भिंबर गली में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। इसी हमले को यूएवी से भी शूट किया गया। एक के बाद एक कई धमाकों से आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि हमले से पहले भारतीय सेना के टारगेट पर जो लॉन्चिंग पैड थे वो कैसे थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनका क्या अंजाम हुआ। ये सर्जिकल स्ट्राइक का टारगेट नंबर 2 है जिसमें आतंकियों के ठिकाने साफ साफ दिख रहे हैं, जिसे एक एक कर सेना के शूरवीरों ने निशाना बनाया। कई गोले दागे गए और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद पूरा ठिकाना तबाह हो गया। अब यूएवी से लिए गए वीडियो को भी देखिए। कई आतंकियों को सेना के जाबाजों ने मौत की नींद सुला दी और फिर यूएवी में हमलों के बाद सुलगते ठिकाने भी रिकॉर्ड हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक के तीसरे सबूत में जो तस्वीर दिखी वो भी स्पेशल फोर्सेस के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई है। उसमें दुश्मन के ठिकाने साफ दिख रहे हैं। दिख रहा है कि आतंकी एक बंकर के पास खड़े हैं। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भी हैं। इसी के बाद इंडियन आर्मी का हमला होता है। यूएवी से लिए गए इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे हमारे जवानों ने एक एक कर आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। चौथा टारगेट भी यूएवी से शूट हुआ है, जिसमें 5 से 6 आतंकी लॉन्चिंग पैड के पास से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 5 आतंकी जवानों के निशाने पर थे। जैसे ही हमला हुआ, एक के बाद एक आतंकी ढेर होते गए। जवानों की बंदूकें आग उगल रही थी और आतंकियों का काम तमाम हो रहा था। सेना के इस पराक्रम पर उस वक्त कई नेताओं ने सवाल उठाए थे और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था।